जांच ले भैया धनुष। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वापस से मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग, होप सो दैट आप सब लोग अच्छे होंगे। तो यार शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। आज है मेरा इस जगह पे दूसरा दिन और देखते हैं आज क्या सीखने को देखने को मिलता है। जो सीखने को देखने को मिलेगा वो सब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काम स्टार्ट होने का वेट करते करते मैं तो यहीं पर लेट गया। ये देखो अपना यहाँ पर सामान रखा हुआ हूँ जितना सेटअप है, और इधर मैं अपना जूता उतार दिया और यहाँ पे पेड़ के मस्त नीचे लेटा हूँ भाई। बस इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक बहुत कम लोग आए हैं, पता नहीं कब स्टार्ट होगा। यहाँ पे लेट के मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी मस्त ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। कूलर पंखे की ज़रूरत ही नहीं यार पेड़ के नीचे। तो भाई फाइनली कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है, मतलब शाम के 5 बजने वाला है और कार्यक्रम चालू हो गया। सब यहाँ पे बैठे हैं और तो भाई हमने अपना प्यारा ट्राईपोड लगा दिया है यहाँ पे सेंटर में। ये सारे लोग बैठे हैं और स्टेज प्रोग्राम होगा और बीच में हम लोग फोटोग्राफी करेंगे। यार शाम के बज रहे हैं 6 और मैं अपने आप को लकी मान रहा हूँ कि मैं ऐसे प्रोग्राम में आज आया। तो भाई कुछ ऐसे अपन सब बैठे हैं मिलके और उधर सब अपना अपना इंट्रो दे रहे हैं और अखिलेश भाई कैमरा पकड़े हैं और यहाँ पे सब चाचा लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सब सीखने आए हैं यहाँ के तौर तरीके जो भी हैं और अपने लेवल पे जाके अपने जो भी एरिया क्षेत्र है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे इस बात को। यार मज़ा आ रहा है यार, ऊपर खुला आसमान है और खुला आसमान के नीचे मस्त सब लोग बैठे हैं लाइन बार से। तो भाई मेरे गुड मॉर्निंग, वापस से मेरे दूसरे ब्लॉग में आप लोग का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग, होप सो दैट आप सब लोग अच्छे होंगे। यार इस जगह में आज मेरा दूसरा दिन है और सुबह के बज रहे हैं 6 और हम आए हैं नहाने इस जगह पे। लग गया यार। उस जगह में मज़ा आ रहा है यार बहुत ज़्यादा मेरे को। तो भाई यहाँ पे नहाने वाला हूँ मैं। तो भाई सुबह सुबह 6 बजे मैं नहा धो के रेडी हो गया, अब चलते हैं काम पे क्योंकि 7:30 बजे से मीटिंग है ना। वो क्या चीज़ है भैया धनुष, ये आप लोग का मतलब जनजाति का है ना? धनुष ढूंढा जनजाति का है। तो भाई भैया जो पकड़े हैं ना ये धनुष है और तीर कमान जो बोलते हैं ना भाई, बहुत मस्त लग रहा है यार देखो। वाह। तो भाई मैं मस्त नहा धोआ के रेडी हो गया ऊपर से नीचे तक और सब तो अपने अपने ड्रेस कोड में है, मतलब पीला गमछा सर पे बांधना जरूरी है। फिलहाल मेरे पास है नहीं तो मैं तो नहीं बांधूंगा क्योंकि मैं कैमरा मैन हूँ ना और मेरे पास है भी नहीं। यार मैं जल्दी जल्दी मेरा अपने सर पे लगाने के लिए तेल लाना भूल गया, तो चलो किसी से मांगते हैं तेल। तो भाई अपन फाइनली पहुँच गए हैं स्टेज के पास। फिलहाल ऐसा कुछ एरिया है यार, देखो कितना प्यारा जगह पे लोग सब, देखो कितना प्यारा जगह में सब अरेंजमेंट करके रखते हैं यार, मस्त है। तो भाई यहाँ पे भारत के अलग अलग शहरों से आए हुए लोग हैं और सब अपने अपने में एक अलग स्किल लेके आए हैं, तो उनके साथ रह के देखने को सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है यार। तो नाश्ते मिला है वो, हाँ तो खाते हैं काम के लिए। तो भाई साहब सब यहाँ पे आके बैठे हैं और सब अभी प्रैक्टिस के लिए रेडी हैं। तो अभी तक मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वास्तव में यहाँ पे होने क्या वाला है और सब लोग क्यों आए हैं, सब अलग अलग मतलब भारत के सब अलग अलग शहरों से आए हैं। तो आइए भैया से जानते हैं। तो भैया बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है, किस उद्देश्य से ये सब पर्पस हो रहे हैं? क्या है ये जो कैडर है, हाँ। हम लोग भी जो है पहली बार इस कैडर में आए हुए हैं, है ना? और कैडर आपके सामने से जो है बैनर पोस्टर लगे हुए हैं इस कैडर का, 7वां कोया पुणे 5 दिवसीय आवासीय राष्ट्रीय आदिवासी व्यवसायिक प्रशिक्षण समर्थन, ठीक है। तो इसका जो मेन वो है बेस कहना चाहिए तो कैडर का, तो आर्थिक
दंड व्यवस्था का जो ये राज्य अधिवेशन है, मतलब आर्थिक व्यवस्था के ऊपर जो है इसकी विशेष फोकस शायद दिया जा रहा है इसपे। तो यार भैया ने बताया सबसे मेन उद्देश्य क्या है ना, जो आदिवासी जो गोंडवाना समाज है ना उनको जागरूक करना है। और जो यहाँ पे एक शेयर भी चलता है, शेयर मार्केट जैसे ही शेयर चलता है तो उसको ऊपर उठाने का प्रयास है। तो भाई काम में मज़ा तो आ रहा है लेकिन धूप होएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा उतना, क्योंकि धूप में हालत बंद हो जाता है। इतना गर्मी है ना कि पूछो ही मत। यार मेरे मेमोरी में ना मेरा कैमरे का मेमोरी फुल हो गया, तो कॉपी करता हूँ मैं, इसके बाद फिर शूटिंग करेंगे। अभी 9 बजे शूटिंग है। तो भाई यहाँ पे गोंडवाना समाज में भारत के संविधान के बारे में बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही डिटेलिंग के साथ बताया जा रहा है। जो आप बुक में पढ़ते हो ना भारत का संविधान, शायद उतना डिटेल में आपको बुक में नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे डिटेल में बताया जा रहा है। जैसे दिखाता हूँ उस वाले बोर्ड पे बहुत डिटेल के साथ यहाँ पे बताया जा रहा है भारत के संविधान के बारे में। और जितने हैं सब बैठे हैं, सीख रहे हैं, और सबके पास अपना अपना एक डायरी है। जैसे ये है भारत का संविधान, सुनने देखने को पढ़ने को मिल रहा है, अच्छा है। यार यहाँ आने के बाद एक चीज़ तो समझ में आ गया कि आप जैसा सोचते हो ना वैसा ही आप बनते हो, जैसा आप करोगे ना वैसा आप बनोगे। तो यार होप सो दैट ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा नीचे लाल बटन प्रेस करके। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, बाय।